आज हम लोग सीखेंगे पनीर बनाना, पनीर चिल्ली जो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं ना उन्हीं लोग के जैसा। तो चलिए देखते हैं। हेलो, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया था मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज हम लोग बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा चीज बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या बनाने वाला है। और बनाना बिल्कुल आसान है और आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर चिल्ली बनाना घर पे। बहुत ही आसान हो जाएगा पनीर चिल्ली घर पे बनाना अगर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए जो ये लोग चाइनीज कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं, या आपके पास सिंपल वाला कढ़ाई है वो भी ले सकते हैं। और जो भी चीज़ हमें कुकिंग करनी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे करना है। पहले डालना है थोड़ा सा मिर्चा, तेल पहले डालना है, तेल में मिर्चा डालना है, मिर्चा को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो ऑयल खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज डालने के बाद। इसके बाद इसमें जो जो आप वेजीज खाना पसंद करते हैं ना आप अपने पसंद के डाल सकते हैं। पनीर चिल्ली खास करके हर किसी को पसंद आता है, ऐसा कोई मेंबर नहीं है कि जिसे पनीर चिल्ली न पसंद है। पनीर चिल्ली इतनी ज्यादा टेस्टी और यम्मी होता ही है कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। तो प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाएंगे कि इसका क्रंचीपन बिल्कुल बना रहे। तो ये देखिए, और ये लोग जो होते हैं ना अक्सर जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो लोग इस्तेमाल जो करते हैं करछी वो बहुत ही बड़ा होता है, और ये लोग का जो गैस का फ्लेम भी होता है वो बिल्कुल हाई होता है। तो ये लोग हाई फ्लेम पे ही सारे भी चीज को ये लोग पकाते हैं ताकि ये क्रंची रहे, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे। तो इसी तरीके से हम लोग को भी पका के तैयार करना है। और पनीर चिल्ली बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप घर पे पनीर फाड़ के बनाइएगा तो और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि बाहर का जो पनीर होता है ना वो ज्यादा ही सॉफ्ट होता है, और जो हम लोग घर पे पनीर बनाते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है। मार्केट से और घर से देखिएगा दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और प्याज को ज्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है, प्याज को हमें रोस्ट करना है कुछ ही सेकंड के लिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप प्याज को रोस्ट करें ना तो कुछ सेकंड के लिए करिएगा। और उसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट डाल दें। और ये देखिए जो ये लोग इसमें आग जला के बनाते हैं ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, इसी से सब टेस्ट आता है। तो हम लोग के तो गैस के फ्लेम पे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल इतना हाई नहीं होता है, तो आप हाई फ्लेम पे सब कुछ पका लीजिएगा। पर ये लोग जो इसमें धुआं और ये इस तरह से आग लगाते हैं ना उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। इसके बाद आपको डालना है नमक, क्योंकि स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है। नमक डालने के बाद कुछ इसमें मसाले ये लोग ऐड करते हैं। पहले डालेंगे यहाँ पे हम लोग मिर्च पाउडर, जो मिर्च होता है, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हमने बंदे गोभी को कद्दूकस करके रखा है वो, क्योंकि ये लोग हल्का सा उसमें बंधा गोभी डालें। उसके बाद लहसुन का आपको जो होता है बारीक बारीक बिल्कुल छोप किया हुआ वो डालें। उसके बाद इसको अच्छे से पका लिए, फिर शिमला मिर्च थोड़ा सा डालें। और सबको अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें कुछ सॉस डालेंगे, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा सॉस होने वाला है। और आपको देख के मन कर देगा पनीर चिल्ली बनाने के लिए अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा पहले पानी डालें, पानी डालने के बाद इसको हल्का सा ग्रेवी को पहले हम उबलने देंगे, उबलने के बाद इसमें सॉस डालेंगे, क्योंकि अगर बिना पानी डाले हुए सॉस डालते हैं तो सॉस को थोड़ा सा चलने का डर होता है, ये लोग का कहना होता है। तो इसीलिए वो लोग जब पानी ऐड करते हैं ग्रेवी वाला, अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से पानी ऐड करिएगा। विदाउट ग्रेवी वाला बनाना है तो आप ड्राई ही मंचूरियन बनाकर, सॉरी आप पनीर चिल्ली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें पहले आपको डालना है ग्रीन चिल्ली, फिर डालना है सोया सॉस, फिर डालना है आपको टोमेटो केचप, फिर डालना है थोड़ा सा विनेगर। आपको एक छोटी चम्मच विनेगर, एक छोटी चम्मच सोया सॉस, एक छोटी चम्मच आपको डालना है ग्रीन वाला मिर्च, और उसके बाद डाल देना है आपको टोमेटो केचप पूरा एक से दो चम्मच भर के। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जो लाल मिर्च आता है ना कलर के लिए वो, इसके बाद डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे पनीर के क्यूब्स बने हुए हैं। तो पनीर का क्यूब्स हम कैसे बना सकते हैं पनीर चिल्ली बनाने के लिए, तो उसका मेरे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं नहीं देखे हैं तो। और ये देखिए पनीर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा इसमें हम लोग ग्रेवी को भी थिक होने तक पका लेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि पनीर भी हल्का सॉफ्ट हो जाएगा और पनीर के अंदर सारा ग्रेवी भी चला जाएगा। और इस तरीके से पनीर चिल्ली बनाने पे तो पूछिए मत क्या लाजीज टेस्ट आता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो देखना है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप बोलिएगा कि बीच में इसमें ये क्या डाले थे, तो ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए नॉर्मल पानी, और उसके बाद घोल के इसमें डालने से ग्रेवी जो है तुरंत ही ठीक हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितने अच्छे से ठीक हो गई है और हमारा पनीर चिल्ली बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप पनीर चिल्ली बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले जो होते हैं ना इसी तरीके से पनीर चिल्ली बनाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि घर में बना हुआ उतना ज्यादा टेस्टी पनीर चिल्ली नहीं होता है। जो इस तरीके से आप घर पे बनाइए पनीर चिल्ली, खाइए, शुद्ध और हेल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। घर पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने पे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं।